स्वागत करते हैं सारे पंजाबी सिलाई कढ़ाई चैनल पर। मेरे वालों सारे प्यार भरे सत श्री अकाल नमस्ते। अज असी तुहानूं दस्सांगे कमीज पजामे का नाप लैण दा तरीका, क्योंकि जदों भी आपां कोई भी कमीज पजामे की कटिंग कर देंगे ये आपां नूं ध्यान रखना पैंदा भी अपने किहड़ी चीज़ किन्नी रखनी है, किस नाप का बनाउणा गा, किस चीज़ का अपने नाप लेना हुंदा गा, वह सारी जानकारी देवांगे। कई मेरी भैनों नूं पता नहीं हुंदा भी नाप किस तरह लैता इहदा कमीज पजामे का, इस करके असीं तुहाडे लई वीडियो बना रहे हैंगे। तुहानूं पता ही है भी आपां फ्री कोर्स तुहाडे लई शुरू कीता, तुसीं इहदा घर बैठे लाहा लै सकदे होंगे। ये तुहानूं असीं सारी जानकारी देवांगे। इस विच असीं इस तों बाद तुहानूं इसदी कटिंग भी दस्सांगे कमीज पजामे की, किस तरह कटिंग करनी हैगी वह सारी जानकारी देवांगे। पहला असीं तुहानूं नाप लैण की वीडियो बनावांगे, आपां उस तों बाद कटिंग की बनावांगे। जिहड़ा अपने कापी ते नाप लिखा इस हिसाब नाल आपां नाप उतारांगे, जिस तरह कि पहला अपने लंबाई का नाप लेना हुंदा, उस तों बाद बाजू का नाप लेना हुंदा, बाजू तों बाद कफ आपां देखणा हुंदा वी किन्ने इंच का लग्या होया। ये अपने कोल तीरा तीरे का नाप लवांगे, उस तों बाद छाती का नाप लवांगे, उस तों बाद आ जांदे हिप जिहड़ी कि गीजां दे थले हुंदी आ जां कि खीसे दे थले हुंदी हैगी। उस तों बाद आंदा घेर, ये आ गया अपने कोल कालर, ये असी सारे कुर्ते का नाप इस हिसाब न लवोंगे। ये पजामा आ गया, पजामे की अपनी मिलनी हुई लंबाई मूहरी पट्ट, ये सारी जानकारी देवे भी तुम नाप किस तरह लेना हों कमीज पजामे का। ये अपने को बनया हुआ कमीज पजामा गा, इस तो आप नाप लवोंगे, पहला आप कमीज का नाप लवोंगे, उस तो बाद पजामे का नाप लवोंगे। इस तरह पहले आप सैट कर लेंगे कुर्ते नूं। ये जिहड़ी आपां ने लंबाई लैनी हुंदी हैगी वो देखो इस विच तीरा हुंदा कुर्ते विच, ये तीरा देखो अगे नूं हुंदा गा। जिहड़ी आपां ने लंबाई लैनी हुंदी हैगी इस जगह तों लैनी हुंदी है, इस जगह तों आपां ने लंबाई लैनी हुंदी हैगी कुर्ते दी। जिस तरह की है अपने कोल कमीज की लंबाई हैगी 38 इंच, 38 इंच अपने कोल ये जिहड़ा कुर्ता तैयार हैगा, उस हिसाब नाल ही आपां जिहड़ी आपां लंबाई लिखी है उसके बराबर 38 इंच लिखांगे। ये देखो ये होगी अपनी लंबाई 38 इंच, उस तों बाद आपां लवांगे बांह दा नाप। जिहड़ा अपने बांह दा नाप लेना हुंदा देखो इस सिलाई तो लेना हुंदा गा, इस तरह कि इसकी बाजू हैगी है कि 23 इंच, 23 इंच ही आपां नाप उपर लिखांगे। जिहड़ा अपने नाप लिखना हुंदा सारा तैयार दा लिखना हुंदा गा, कोई भी जिहड़ा इस विच वध कपड़ा लेना वह आपां कटिंग वेले लैंदे हुंदे हांगे। तो बाद आ गया इसका कफ, कफ हैगा इसका 9.5 इंच तैयार। ये हो गया अपने को 9.5 इंच, उस तो बाद आ जाता तीरा कुर्ते का। ये अपने उल्टी साइड कर ली कुर्ते की, तीरा भी जिथे अपनी बाजू चढ़ी हुई हैगी उस जगह तो अपने लेना हुंदा गा। इसका तीरा हैगा 18.5 इंच, 18.5 इंच तीरा इसका, यानी कि इसनों आप लिखांगे 17 पा के 3/4, ये होगा 18.5 इंच। उस तो बाद आ जाती है इसकी बाजू छाती, उस तो बाद छाती का नाप लवोंगे, जिस तरह की इसकी छाती हैगी अपने कोले
साढ़े 23 इंच छाती अपने को साढ़े 23 इंच आप कापी उपर लिखांगे। देखो अपने साढ़े 23 इंच लिखा। जेकर नाप पतला तो तुसी बचालो भी इसका नाप ले सकते होंगे इस जगह तो। जेकर नाप पतला कमीज पजामे का इसका जिहड़ा नाप बिल्कुल एक सार हैगा साढ़े 23 इंची छाती आ इस जगह तो अपन मिलने की जरूरत नहीं हैगी क्योंकि ये बिल्कुल जिस तरह की अपनी छाती हैगी साढ़े 23 इंच इस जगह तो भी साढ़े 23 इंच आ। जेकर नाप पतला तो तुसी इस जगह तो मिल सकते हो क्योंकि नाप पतले च फिटिंग पैंदी है थोड़ी जी घट हुंदा गा। उस तो बाद आप हिप का जिहड़ी हिप मिणांगे हिप जिहड़ी आपां मिणनी है जिस जगह तो अपने चाक रखे हुंदे ने। देखो तुसी चाक रखे हुंदे ने इस जगह तो अपन ने हिप का नाप लेना हुंदा गा। हिप भी इसकी साढ़े 23 इंच आ साढ़े 23 इंच इसकी हिप आ गई। यह है अपना घेरा घेरा भी इसका साढ़े 23 इंच तैयार है। जो अपने घेर का नाप लेना होंगे नीचे तो 5 या 6 इंच उपर तो लेना होंगे क्योंकि घेरे में अपने गलियाई होंगी हैगी इस करके इस जगह तो नाप लेना चाहिए। घेरा भी इसका साढ़े 23 इंच तैयार है साढ़े 23 घेर तैयार है। इस दे विच कोई भी फिटिंग नहीं हैगी कमीज जिहड़ा कमीज अपने इस विच कोई भी फिटिंग नहीं हैगी। जेकर तुसी फट्टी का निशान नाप लेने का फट्टी का नाप भी इस तरह हुंदा गा। देखो तुसी आप सिलाई तो लेके इस तरह नाप लो भी फट्टी किन्ने इंच ते। देखो तुसी 15.5 इंच ते ये तुहानू अंदाजा मिल जांदा। जिहड़ा कमीज है उपर फट्टी वाला ये उपर फट्टी वाला जिहड़ी बल वाली फट्टी हुंदी उस दा नाप भी इस तरह ही हुंदा गा। उस तो बाद आपां इसदे लवांगे कालर का नाप। ये जिहड़ा आपां ने कालर का नाप लेना हुंदा गा वो जिस तरह की असं तुहानू दसदे आं भी ये देखो तुसी जिहड़ा अपने कलर का नाप लेना इस जगह तो लेना इस जगह का अपने कलर का नाप लेना हुंदा गा। ये जिहड़ा अपना बैना इस जगह तो नहीं लेना इस जगह तो अपने नाप लेना हुंदा। ये देखो तुसी इस तरह कलर हैगा इसका 16.5 इंच कलर आ। देखो तुसी इसका जिहड़ा अपने लग्या है 16.5 इंच कलर 16.5 ही आप नाप उपर लिखांगे। जिहड़ा अपने जेब का नाप हुंदा वह हुंदा गा आम तौर पर 8.5 या 9 इंच ते ये समझ भी बड़े नाप का। जेकर तुहाडे कोल नाप पतला तो तुसी इसनू 8 ते भी कर सकते होंगे। इस हिसाब नाल तुसी मिण के देख लो भी किन्ने इंच ते अपनी जेब तैयार है। जिस तरह की इस कमीज की हैगी कुर्ते 8.5 इंच ते तैयार इस हिसाब नाल तुसी जेब जदों लाउणी हैगी उदों तुसी मिण सकदे होंगे। ये हो गया अपना कुर्ते का नाप। उस तो बाद तुहानू असीं पजामे का नाप दसदे हां। ये अपने कोल पजामा हुंदा तुहानू दसदे हां पजामे का नाप लैण दा तरीका। ये देखो अपने कोल नेफे वाला पजामा गा इस तरह आप उपर तो लावे इस तरह पहला बचा लो इस। देखो जोड़ा पजामा है अपने को 36 इंच तैयार 36 इंच पजामा तैयार है। इसन जे आप कापी के नाप लिखा 35 पा के 3/4 ये अपने को 36 इंच ये हो गए पजामे की लंबाई का नाप। उस तो बाद लवेंगे मूरी का नाप। मूरी हैगी अपने को 15 इंच तैयार 7.5 इंच जाने कि 15 इंच तैयार। इस तरह 15 इंच आप नाप उपर लिखांगे। ये होगी मूरी जाने कि 7.5 इंच 15 इंच ये 15 इंच मूरी होगी। उस तो बाद अपने लेना हुंदा इसदे पट का नाप। जिहड़ा अपने पट का नाप लेना हुंदा ये तुसी ध्यान नाल देखो भी अपने किस तरह लेना गा पट का नाप।
पहला इसनों चंगी तरह सैट करांगे। ये देखो तुसी अपने गलियाई हुंदी हैगी तो अपने पाई हुंदी हैगी पजामे विच, जिहड़ा अपने पट का नाप लेना इस जगह तो लेना, इस जगह तो अपने पट का नाप लेना गा, क्योंकि जो आप कटिंग करते हैं इस जगह तो आप निशान ला के कटिंग करते होंगे। इस तरह आप पट का नाप लवेंगे। ये देखो तुसी इहदे पट पाया होया 14.5 इंच, 14.5 इंच पट पाया होया। 14.5 ही आप नाप उपर लिखांगे। ये जिहड़ा इहदा घेर रहना हुंदा गा पजामे का, इस 1/2 14.5 इंच 14/2। ये देखो तुसी जिहड़ा ये अपने पजामे का घेरा रहना हुंदा गा, ये पट दे हिसाब नाल ही रहना हुंदा गा। जदों कि आप ये पट पाउने आगे मिणके नाप दा पाउने आगे, इस हिसाब नाल ही अपना घेर रहना हुंदा गा। उस तो बाद आ जांदा अपना आसन। ये आसन आम तौर पर हुंदा 13.5 या 14 इंच ते। ये देखो इहदा आसन जिहड़ा हैगा अपने कोल 14 इंच तैयार आ, आसन 14 इंच तैयार हैगा। ये अपने नाप दे हिसाब नाल हुंदा जिहड़ा आसन हुंदा गा, नाप दे हिसाब नाल। जिस तरह की जेकर नाप अपने कोल पतला तां आसन इहदा 13 भी आपां नूं सही आपां रख सकदे हांगे। ये अपने कोल 14 दा नाप आ। इस हिसाब नाल अपने पजामे दा नाप लेना हुंदा। ये सी अपने सारे कुर्ते पजामे दे नाप दी तुहानूं असीं वीडियो दसी आ कि कई बार मेरे भैणां नूं पता नहीं चलदा हुंदा वी आपां ने कमीज़ पजामे दा नाप किस तरह लेना गा। असीं तुहानूं वो सारी जानकारी दित्ती हैगी। तुसीं वीडियो नूं ध्यान नाल देखना जी, वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करना जी, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, कमेंट करके जरूर दस्सो वीडियो किवें लगी। धन्यवाद जी।